I want to ask you a personal question. People may not realize this, but there's actually a number of things that we have in common. One of them is that family is very important to me and to both of us. And मोदी ने ऐसा क्या कहा अपनी माँ के बारे में जिसकी वजह से वो खुद फेसबुक कॉन्फ्रेंस में ही रोने लगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुछ बीती हुई बातों के बारे में बताया। जब फेसबुक कॉन्फ्रेंस में उनसे उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में पूछा गया कि आपकी माँ आपके लिए क्या है, तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया कि वो खुद तो रोए, साथ ही साथ वहाँ जितने लोग थे उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोदी ने ऐसा क्या कहा था। 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती है, सब कुछ काम खुद करती है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उसको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। मैं परिवार से हूं और मैंने और मेरे परिवार ने बहुत गरीबी देखी है। मेरी मां ने बहुत संघर्ष किया है और मैं शायद जितने शब्द बोलूं वो कम पड़ जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी टीवी में देखकर और लोगों से पूछकर वह मेरे बारे में सब पता रखती है। उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था तो मेरे और भी भाई बहन थे जिनका खर्च उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था, और मेरी माँ हम लोगों का खर्च उठाने के लिए घर घर जाकर बर्तन साफ किया करती थी, और मेरे पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, और इतना ही नहीं, पानी भरना और मजदूरी करना ये सारे काम किया करती थी, जिसकी वजह से उनको बहुत कष्ट उठाने पड़ते थे। सिर्फ हम लोगों को बड़ा करने और हम लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना उठानी पड़े, इसलिए वो अकेले ही सारे काम किया करती थी। उन्होंने कहा, माँ जैसा कोई नहीं होता है, दुनिया में एक माँ ही है जिसकी दुआओं से आदमी ऊंचाइयों को छू सकता है, और ये सिर्फ मेरे केस में ही नहीं, लाखों माँ के दिल ऐसे ही हैं, और मैं अगर अपनी माँ के लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अपने माँ के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि जैसे भारत मेरी माँ है जिसकी वजह से मैंने अपने परिवार को त्याग दिया था। सिर्फ इस देश की रक्षा करने के लिए मैं बस यही चाहता हूँ कि लोग अपने देश का सम्मान करें और अपनी माँ की सेवा करें और बड़ों का आदर करें, क्योंकि यही हमारे भारत देश की संस्कृति है।